प्रत्येक दिन लगभग 11.5 लीटर पचा हुआ खाना, तरल पदार्थ और पाचक रस मानव पाचन तंत्र से होकर गुजरता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे भोजन को पोषक तत्वों में विभाजित करता है, जिसका उपयोग हमारा शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए करता है। खाने को पूरी तरह पचाने के लिए बहुत से एंजाइम्स की जरूरत होती है। खाने को पकाने की प्रक्रिया उसमें मौजूद एंजाइम्स को नष्ट कर देती है, जिसके फलस्वरूप शरीर खुद के एंजाइम्स बनाने को मजबूर हो जाता है। अधिकतर देखा गया है कि अपच लक्षण होता है इस बात का कि शरीर एंजाइम्स बनाने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप कब्ज, एसिड फ्लक्स, भूख न लगना और उल्टी जैसे पाचन रोगों की आवृत्ति बढ़ जाती है। एक अध्ययन के अनुसार शहरी भारत में 14% लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त हैं, 15% भारतीय एसिडिटी, गैस और अपच से परेशान हैं। वायु, पानी और भोजन में मौजूद विषाक्त और बिना डॉक्टर के सलाह की ली जाने वाली दवाइयां इन विकारों का मुख्य कारण है। समय पर ध्यान न देने पर यही विकार बड़ी समस्या का रूप भी ले सकते हैं, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ और बरकरार रखना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एक तरीका है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को दूर करता है। साधारणतः डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया निम्न तरीकों से की जा सकती है। 1. अनुशासित भोजन का पालन करें। 2. सिर्फ ऑर्गेनिक फूड ही खाएं। 3. पंचकर्म। 4. नियमित व्यायाम। लेकिन हमारी व्यस्त जीवन शैली में इनमें से कोई भी रास्ता लेना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति के लिए जरूरी है इजी डिटॉक्स। नेचुरामोर इजी डिटॉक्स एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सौम्यता से साफ करता है, साथ ही भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बेहतर बनाता है। इसमें महत्वपूर्ण हर्ब्स और जेनेरिक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मौजूद हैं, जो इस प्रक्रिया के लिए श्रेष्ठ हैं। शंखवटी, ये एक उत्तेजक, वातहर, एंटासिड एवं एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है। ये अल्सर्स एवं हाइपर एसिडिटी पर उपचार करने में मदद करता है। मुक्त भस्म, ये पाचन तंत्र के लिए एक प्राकृतिक शीतलक है और ये एसिड के स्त्रवण को नियंत्रित करता है। कामदुधा, ये चयापचय विकार जैसे कि भूख कम लगना, कब्ज और दस्त के इलाज में मदद करता है। सूत शेखर, ये अपच, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, पेचिश और उदरीय सूजन में राहत प्रदान करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण, ये आंतों की सफाई को उत्तेजित करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। अविपत्तिकर चूर्ण, ये अपच और कब्ज में फायदेमंद है। प्लम्बैगो ज़िलानिका, ये एक शक्तिशाली पाचक वातहर हर्ब है। कैसिया फिस्चुला, ये प्रभावशाली लैक्सेटिव है। मेलोटस फिलिपिनेंसिस, ये सामान्य पाचन को बढ़ावा देता है, एक लैक्सेटिव है जो आंतों की कार्यवाही को बेहतर बनाता है। कैसिया सेना, इसमें लैक्सेटिव गुण मौजूद हैं। फेनिल, ये पेट में जलन, अपच, आंतों में सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दिनों के अंतराल पर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है। नेचुरामोर इजी डिटॉक्स स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छा है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको लंबे समय से कब्ज और हाइपर एसिडिटी की समस्या है। साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इजी डिटॉक्स का सेवन कैसे किया जाए। इजी डिटॉक्स की खुराक शरीर की जरूरत के हिसाब से सबके लिए अलग अलग हो सकती है। सेवन का तरीका नीचे दिए गए लक्षणों के अनुसार उपयोग करें। यदि एक व्यक्ति बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इजी डिटॉक्स का सेवन कर रहा है तो उसे 7 दिन, 14 दिन या अधिकतम 21 दिन का करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इजी डिटॉक्स का सेवन हाइपर एसिडिटी, अपच या लंबे समय से मौजूद कब्ज के लिए कर रहा है तो उसका सेवन दिन में 2 बार, दोपहर के और रात के खाने के पहले करें। संक्षिप्त में, इजी डिटॉक्स का सेवन आज से ही शुरू करें और पाचन तंत्र से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा पाएं।
अधिक जानकारी के लिए www.netsurfnetwork.com पर लॉग ऑन करें।